पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हमारे घरों में पानी का अनियंत्रित बहाव काफ़ी परेशानियां पैदा करता है। जैसे जैसे हमारे घरों की उम्र बढ़ती जाती है, कंक्रीट, प्लास्टर, ईंट इत्यादि जवाब दे देती है और पानी को प्रवेश करने देती है। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके घर के लिए हानिकारक होता है। छतों के अलावा बाथरूम, किचन और बालकनी सबसे अधिक प्रवृत्त होते हैं। दीवारों की पपड़ी निकलना, भद्दे गीलेपन के दाग, ये सारी चीजें आपके घर के सौंदर्य को बर्बाद कर देती है। वातावरण में नमी होने पर काई, फफूंदी इत्यादि प्रचलित होते हैं। इनसे घर में रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और एलर्जी या श्वसन संबंधित समस्याएं भी हो सकते हैं। और तो और, लंबे समय में इमारत की सहनशीलता और मजबूती भी कमजोर हो सकती है। पूरी सक्रियता से करने पर अच्छी क्वालिटी की वाटरप्रूफिंग आपकी इन सारी दुविधाओं का हल बन सकती है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए वाटरप्रूफिंग में विश्व प्रतिष्ठित और 100 साल से अधिक अनुभव वाला सीका पेश करते हैं। सीका टॉप 107 सील प्लस, एक समान क्वालिटी वाले अवयव, सुविधाजनक किट में, साइट पर वजन तौलने की जरूरत नहीं, आसान एवं तेज मिश्रण, ब्रश या कन्नी से लगाने में आसान, नम और अन्य सतहों पर अच्छी तरह चिपके, कलर और शोरे से बचाव करें, पतली दरारों को भरने के लिए लचीलापन। तैयारी, उपकरण तैयार करें, ड्रिल और मिक्सर, वाटरप्रूफिंग ब्रश, ग्लव्स, पेंट ब्रश, छोटा ग्राइंडर और ब्लेड, खाली बकेट। सतह को तैयार करना, पूरे कंक्रीट की दीवार या स्तर को दबाव वाली पानी की जेट से अच्छी तरह साफ करें ताकि उस पर से तेल, चिकनाई, फंगस या काई, धूल इत्यादि निकल जाए। किसी भी नुकीले प्रलंबन को ग्राइंड करें और गहरे गड्ढों को भरें। सतह को सैचुरेटेड सरफेस ड्राई होने तक भिगोएं, यानी लगाना शुरू करते समय सतह पर ठहरा हुआ पानी ना हो। मिलाना एवं लगाना, कंपोनेंट ए लिक्विड के आधे हिस्से को मिलाने वाले बकेट में निकालें, कंपोनेंट बी पाउडर को पूरी तरह निकालें और धीमे ड्रिल और मिक्सर से मिला लें। बचे हुए कंपोनेंट ए को मिलाएं और एक समान गांठ मुक्त मिश्रण तैयार करें, आमतौर पर 2 से 3 मिनट। नम सतह पर ब्रश के जरिए पहली कोट लगाएं और उसे सूखने दें। सूखते ही सीका टॉप 107 सील प्लस का दूसरा कोट पहली वाली की तुलना में तिरछी दिशा में लगाएं। तापमान के अनुसार 2 से 5 घंटों के लिए उसे सूखने दें। संधारण एवं संरक्षण, लेवलिंग और फिनिशिंग के बाद जब सतह सूखने लगे तब उस पर क्यूरिंग कंपाउंड स्प्रे लगाएं। हाल में लगाए हुए सीका टॉप 107 सील प्लस को पीई शीट या गीले बोरे से ढकें और सूरज की रोशनी, तेज हवा, बारिश और पानी की छींटों से बचाएं। बारिश एवं पानी की छींटों से कम 6 घंटों तक बचाएं और सतह को पूरी तरह तैयार होने के लिए 24 घंटे दें।